होने लगा तो हाथ व्यंग में जो है मैं एक कुछ बना लेता हूँ। बड़ा ही महत्व है इस शिक्षक का नाम है, इस पंचायत के सरपंच का एक कविता है बनाया हूँ। प्रधानमंत्र विद्यालय के छात्र छात्रा में संत मंच का, महाभारत ने सोने के प्रपंच का, और आज के समारोह में प्रसाद प्रेमचंद का बड़ा ही महत्व है। एक दूसरा बनाया हूँ, आम तोड़ने में ढका का, नाश्ता में दही चीनी चूरा लता का, टेम्पू के सीट पर बैठने में लता का, और प्रेमचंद बाबू के कृति में मध्य विद्यालय बटा का बड़ा ही महत्व है। लास्ट में माता सती सावित्री का, बाबा धाम पैदल जाने में गंगा जल पवित्री का, रोसरा महावीर चौक के इमरती का, और आज का दिन हमारे प्रेम बाबू के सेवा निमित्त का बड़ा ही महत्व है। हम जो है सो मैं दोस्त प्रेम बाबू से कहूंगा, आज अवकाश प्राप्त आज नहीं कर रहे हैं, ठीक 12 बजे रात के बाद इनका जो है सो दिवस खत्म होगा। तो मैं चाहूंगा जब मैं अपने छोटे भाई से आज जो सेवानिमित्त हो रहे हैं उनसे मैं जो शब्द हमारे इस मंचस्थ से ये कहेंगे, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ और दोस्त बहन और क्या कहते हमारे शिक्षक वर्गों को कुछ समझ में अपना एक जान रुचि हो। मैं प्रेम बाबू से कहूँगा जो शब्द आशीर्वाद प्रचार क्या करते हैं। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षक संघ के नेतागण, सुंदरी देवी प्रिया भारती के मानाध्यक्ष, हमारे आलोक बाबू, राम नंद जी, राम प्रवेश बाबू, सत्यनारायण जी, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन समय भी निर्धारित होता है कि एक न एक दिन वह जगह छोड़ना है और नए पांच क्षेत्र में जाना है। 2294 को मैंने जब योगदान किया था, नई ऊर्जा के साथ ललक के साथ काम किया, प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे। मुझे शिवाजी नगर में सर्वसम्मति से बीआरपी 1999 में लोगों ने प्यार देकर के चुन लिया और 2007 तक वहां कार्य किया। फिर जब रोसड़ा प्रखंड में आए तो यहाँ भी लोगों ने मुझे इग्नू का पिक्चर बनाया और हमारे जैसे व्यक्ति समारोह प्रथम बैच के प्रशिक्षण में थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनके प्यार से पहला बैच भी संचालित हुआ। फिर मुझे आनंद शाला एम्बेसडर के रूप में प्रखंड में नियुक्त किया गया और आनंद शाला के कार्यक्रम में हमने यहाँ काम किया। उसके बाद प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन हुआ और जाते जाते भी हमारे संतोष बाबू संचालक के नेतृत्व में और मेरे समन्वयक के रूप में मैं अंतिम योगदान UHS गोविंदपुर में समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति की कगार पर हूँ, अंतिम घड़ी में हूँ। कहा गया है शिक्षा क्या चीज है, सभी बच्चों में शिक्षा पूर्व से है बीज रूप में, हमको उसको बाहर निकालना है। हम शिक्षक का काम है उसको बाहर निकालने का काम, उनको देते नहीं है बल्कि उनसे जो है बाहर निकालने का काम करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि बाय एजुकेशन
we mean taking out all the best body, mind and spirit. यानी हमारे अंदर जो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उसको हमको बाहर निकाल देना है, यही हमें शिक्षा देने का उद्देश्य है। एक्टिव बच्चों को करना है, टीचर नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे काम करेंगे। मैंने यही देखा कि जब मैं विद्यालय पहुँचता हूँ सवेरे सवेरे, तो यहाँ पहले से 6:30 बजे निर्धारित है, उससे पूर्व से ही हम देखते हैं कि 100 बच्चे पहुँचे हुए हैं। और जैसे पहुँचते हैं तो कोई बैग पकड़ता है, कोई गाड़ी पकड़ता है और इतना प्रेम देता है कि मुझे फिर ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कब मेरा समय सेवानिवृत्ति का समय आ गया। 60 वर्ष की आयु मैंने पूरी कर ली। तो जहाँ भी है हमें प्रेम से काम करना है, बच्चों को एक्टिव रखना है। कब पथ पर कैसे आगे बढ़े ये करना है। शिक्षक उस तरह से रामचरितमानस में कहा गया है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। यानी जहाँ भगवान राम खड़ा हो जाते थे वही अयोध्या नगरी हो जाती थी, जहाँ सूर्य होता है वही दिवस हो जाता है, जहाँ शिक्षक है वही ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। और शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान फैलता है उसका सिलसिला जो आपके बच्चे जुड़ते हैं, आपके अभिभावक पहुँचते हैं, हमारे मित्रगण पहुँचते हैं, ये आपका प्रतीक है कि आपने काम किया है। तो आप लोगों के बीच 94 से अभी तक जो मुझे प्यार मिला है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि सबों के प्यार के बीच ही मेरा समय कट गया। और भले ही मैं विभागीय सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन मेरा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी महसूस की जाएगी, लोग जहाँ भी आवश्यकता होंगे याद करेंगे तो मैं योगदान दूंगा, ये मेरा संकल्प है। अभी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री शंकर।